फर्जी डॉक्टर द्वारा चोरी की डिग्रियों से सैकड़ों गर्भवती महिलाओं के जीवन के साथ एक खिलवाड़ की खबर आई है। बड़ा मामला है जो चूरू से सरदार शहर से देखने को मिला है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से फर्जीवाड़ा शुरू हुआ था। मामला उजागर होने के बाद भी अधिकारियों को फर्जी डॉक्टर का नाम पता नहीं लगा। सोनोग्राफी जैसे गंभीर मामले में भी चिकित्सा विभाग लीपापोती करता रहा। असली डॉक्टर का पता चलने के बाद पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। PCPNDT अधिनियम जैसे सख्त कानून के चलते कुछ विगत वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई जा सकी, लेकिन आज भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो इतने गंभीर मामलों को हल्के में ले रहे हैं और लापरवाही बढ़ाते हैं। और इस लापरवाही के चलते सोनोग्राफी की जा रही थी। बड़ा मामला है ये, सरदार शहर से देखने को मिला है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पीछे शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर में फर्जी ढंग से ये एक फर्जी डॉक्टर 10 दिनों तक गर्भवती महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलता रहा और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पा जी, NDTV पर स्वागत आपका। बड़ी लापरवाही का मामला है चिकित्सा विभाग की तरफ से। PCPNDT जैसा सख्त कानून है, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर बड़ा सख्ती राजस्थान में रही है और उसको लेकर काफी दाग भी झेलने पड़े थे राज्य को। क्या पूरा तरह से मामला है और क्या कार्रवाई की गई है? ये शिकायत आई थी कि ये जो डॉक्टर का नाम से जिस नाम से चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो डॉक्टर इसके पार्ट एंड पार्सल ही नहीं है, समबडी एल्स वाज टेकिंग इट। तो उस पर सीजर की कार्रवाई की गई है और अब एक ट्राई बोर्ड पे ला करके सभी जो भी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उसमें वेरिफिकेशन करा लेंगे कि जो डॉक्टर हैं, जो दिया हुआ है, जिस ID से काम होना है, वो एक्चुअली भी वो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। और PCPNDT एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ इसमें हैं वो पूरी की जाएगी। मैडम, बड़ी बात ये है कि ये जिस तरह के मामले हैं ये अक्सर कहीं ना कहीं खबरों में जरूर आते हैं। एक तरह से कहें कि प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में एक जान से खिलवाड़ जैसी बात होती है, जो ये फर्जीवाड़ा अक्सर कई जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन 100% जो एक विजिलेंस है इस मामले में जो दिखनी चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है ये कैसे इंश्योर करेंगे आप? मैंने बताया ना कि जितने भी सोनोग्राफी सेंटर्स हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उसका एक ड्राइव मोड करा के वेरिफिकेशन कराएंगे ताकि ऐसी कोई और घटना ना होने पाए। और PCPNDT एक्ट के तहत जो डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे हैं वो इसकी सबकी पालना कर सके, ये भी इंश्योर करते हैं। नहीं, जो PCPNDT है उसके बावजूद इस तरह की घटना हुई, क्या लूप होल्स थे जिसके चलते इस तरह के ये वाली घटना चूरू में सरदार शहर में देखने को मिली? मुझे अभी एक रिपोर्ट मंगवानी है, अभी मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि उन्होंने सीजर कर लिया है। किस तरह से उसने ये किया, अंजाम दिया, क्या उसने डॉक्टर वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या डॉक्यूमेंट्स को हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, इस सब पे मुझे भी जानकारी लेनी है। आई विल सी टू इट कि अब जो है, अभी जितने भी चल रहे हैं सेंटर्स उसमें एक बार फिजिकली वेरिफिकेशन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन बतौर महिला कलेक्टर मैडम एक सवाल मेरा आपसे, ये जो बड़ा अहम सवाल ये है, आप खुद महिला हैं, जिला कलेक्टर हैं, महिलाओं को कैसे सेंसिटाइज करेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि उन्हीं को गुजरना पड़ता है। क्या उनको भी विजिलेंट करने की जरूरत है कि इतनी वो उतनी अवेयरनेस उनमें भी आए, वो भी इतने एजुकेशन के साथ हों, उन्हें पता लग सके कि वो किसी को अगर अपना इस तरह के चेकअप के लिए जा रही है, सोनोग्राफी के लिए जा रही है प्रेगनेंसी में, तो उनको भी इतना मालूम होना चाहिए कौन डॉक्टर सही है, कौन सा डायग्नोस्टिक सेंटर सही है, क्या फर्जीवाड़ा कहाँ चल रहा है? जी बिल्कुल, इस पे तो कराएंगे ही सेंसिटाइजेशन। और हमारी जो टीम्स हैं वो भी जाके आशा और जो ANMs हैं वो भी उनको बताती हैं, गाइड करती हैं कि कहाँ उनको सोनोग्राफी के लिए जाना है। और अगर कोई भ्रूण परीक्षण के लिए जा रहा है तो उसको बताया भी जाता है कि किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये जो है इलीगल एक्टिविटी है, ये ऑलरेडी IEC की हुई है, बट स्टिल डाउन द लेवल और जरूरत है जिसको अब हम मॉन्श्योर और कर रहे हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़े में लोग ना आने पाए। और जो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट भी कोशिश करते हैं कि ग्राम पंचायत पे या इन लेवल्स पे अवेलेबल हो जाए ताकि लोगों को पता रहे कि क्या सेंटर्स जो हैं ऑथराइज्ड हैं और जहां वो जाकर अपना करवा सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से आपने अभी हमसे बातचीत में कहा वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और
महिलाएं भी खासतौर पर सेंसिटाइज हों ताकि इस तरह के फर्जी डॉक्टर्स जो अपना प्रैक्टिस करते हैं उन पर रोकथाम लग पाए और सख्ती से इस मामले में कार्रवाई होगी, ये भी उम्मीद है जिस तरह से आपने अभी एनडीटीवी पर कहा। हमारे साथ मनोज शर्मा भी सीएमएचओ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, चूरू के सीएमएचओ हैं। मनोज जी एनडीटीवी पर स्वागत आपका। अभी कलेक्टर हमारे साथ थी पुष्पा जी, किस तरह का ये फर्जीवाड़ा किस स्तर पर चल रहा था, कितने सोनोग्राफी ये डॉक्टर ने की, फर्जी डॉक्टर ने, क्यों नहीं ये पकड़ में आया ये मामला आपके? इन्होंने जो भी रजिस्ट्रेशन था वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से किया गया था, जैसे जैसे आप जिस नाम से हैं उसी के जो डॉक्यूमेंट थे वो ओरिजिनल थे, लेकिन डॉक्यूमेंट के जो और थे उसने टोटल 125 लोगों की जो सुनवाई की थी वो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उनकी दोबारा जो योग्य चिकित्सक है उनसे दोबारा जांच करवाते हुए उनको वास्तविक जो रिपोर्टिंग है वो उनकी की जाएगी और जो सेंटर के खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो सीज कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई चल रही है। हाँ मनोज जी, एक बड़ा सवाल मेरे साथ मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह भी हैं, उनको भी जोड़ेंगे, वो भी कुछ सवाल हैं। उससे पहले मैं गजेंद्र को हम जोड़ लेते हैं, पहले मेरा सवाल आपसे ये है मनोज जी, ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस डॉक्टर ने मान्यता ली, ये मामला सिर्फ जांच करने तक का नहीं है, ये मामला पूरे मिलीभगत का है, किस तरह से इसको सेंटर की अनुमति मिली और ये प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये मान्यता को लेने को लेकर भी है? टोटल 7 दिन पहले ही इसका रिकॉग्निशन एज इन चिकित्सक उसको और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर्ड था, डॉक्टर रजिस्टर्ड था और उस डॉक्टर के ही जो वास्तविक जो डॉक्टर है उसके उसी के बताने के हिसाब से ही ये मामला पूरा संज्ञान में आया है। जो भी आधार कार्ड जो भी उसने आरएमसी की जो डिग्री प्रोवाइड करवाई थी वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर की थी जो ऑथेंटिक थी, डॉक्टर वो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर था वास्तव में। गजेंद्र मेरे साथी मौजूद हैं, वो इस खबर को उन्होंने कवर किया। गजेंद्र पूछ के आप सीएमएचओ हमारे साथ हैं, कलेक्टर भी थी, क्या सवाल है आपका इनसे सीएमएचओ से? बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि क्या कार्रवाई हुई और किन आधार पर यह मान्यता दी गई। यहाँ पर भी सीएमएच वो जो सेंटर है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा वो कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्टर को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तारीख को ये परमिशन दी गई थी सीएमएचओ की ओर से और इसके अंदर ये होता है मनीष कि जब परमिशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं तो उसको व्यक्ति का वेरिफिकेशन होता है कि कौन वो व्यक्ति है जो परमिशन ले रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, उसके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन तमाम नियम कानूनों को ताक पर दिया गया बिना किसी परमिशन के, या परमिशन है वो डॉक्टरों की ओर से सीएमएचओ की ओर से दे दी गई। इसके अलावा आज 2 तारीख 2 जनवरी को परमिशन दी गई थी, आज 19 तारीख हो गए लेकिन आज तक सीएमएचओ को ये पता नहीं है कि वो जो डॉक्टर जो जिसने कितनी प्रचिताओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया होगा उस डॉक्टर वो फर्जी डॉक्टर कौन था, उसका नाम क्या था, वो कहां से था, ना ही इनकी ओर से जो संबंधित सेंटर है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, उसको सिर्फ बताने का प्रयास वो कर रहे हैं। जब मामले का खुलासा हुआ तो सीएमएचओ ने खानापुर के तौर पर एक काम किया, इन्होंने रात के अंधेरे में उस सेंटर को सीज कर दिया। मेरा एक सवाल सीएमएचओ साहब से ये है कि सर व्यक्तिगत वेरिफिकेशन नहीं किया आपने, अभी तक आपने FIR दर्ज नहीं करवाई और क्या कार्रवाई की सर आपने केवल खानापुर के अलावा? जी मनोज जी जरा जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूँ सर, डिसिप्लिनरी एक्ट में हमारा थाना जयपुर में है उसमें परिवाद दर्ज हो चुका है और पीसीपीडीटी की टीम भी वहां पहुंच चुकी है और जो समुचित प्राधिकारी इसमें हर ब्लॉक स्तर पर अलग अलग समुचित उपखंड समुचित प्राधिकारी हैं, उनके भी खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो संस्था के खिलाफ कार्रवाई चल रही है सर, उसी दिन जिस दिन पता चला उसी दिन सीज कर दिया गया था। मनोज जी 125 लोगों को जो 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 उसके सारे डॉक्यूमेंट अपन ने जब्त किए उसमें 125 लोगों की उसने सोनोग्राफी की थी और 125 की जो लिस्ट है वो जो तथाकथित खंड की है उसको उसके यहाँ से सभी को बुलाकर उसकी दोबारा सोनोग्राफी करवाई जा रही है। नहीं लेकिन ये जो सोनोग्राफी सेंटर है, एक तो मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं क्या नाम है और ये अगर आपने परिवार दर्ज कराया है तो किस नाम किसके खिलाफ कराया है, किस नाम से किस डॉक्टर के नाम के खिलाफ कराया है? सर शेखावाटी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से परिवाद है। शेखावाटी और परिवाद
एफआईआर जो तथाकथित जिन चिकित्स के डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए गए थे उसको डॉक्टर साहब ने भी करवाए हैं, और जो जो सेंटर जो ऑथेंटिक जो सेंटर है वो जो उसके पास जो वो इसका डॉक्यूमेंट जिसने प्रोड्यूस किए थे, हम तो उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे सर। जो परिवार किस नाम से, मैं वही बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं उनमें किसका नाम है, क्या डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम प्रवीण कुमार अजमेरा ही है सर, जो जो वास्तविक जो डॉक्टर है उसी का नाम है। अच्छा, और जो असली डॉक्टर है प्रवीण कुमार अजमेरा, उनके नाम से फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के डायग्नोस्टिक खोला गया, आपका ये कहना है? जी। तो क्या प्रवीण अजमेरा से बात हुई है? आपने प्रवीण अजमेरा से पूछताछ की इस मामले में? हाँ बिल्कुल, मेरी प्रवीण अजमेरा से लगातार बात चल रही है, मेरे कहने पे भी एफआईआर दर्ज करवाया है पताकरी थाने में, पीसीपी निटी का एकमात्र सदस्य जहाँ पे परिवाद दर्ज हो चुका है ऑलरेडी। तो मनोज जी, जो प्रवीण अजमेरा है, उन्होंने किसी का नाम बताया, किस डॉक्टर ने उनके कागजों का इस्तेमाल किया है? नहीं, उन्होंने कोई कुछ दिनों पहले नोहर में कोई कार्य किया था, सोनोग्राफी का कार्य है, उनके द्वारा ही किया गया था नोहर में, वहां से ही उन्होंने वहां पर ही उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, और वहां से ही किसी ने भी जिसने भी यूज किया है वो वहां से ही वो डॉक्यूमेंट उनके पास प्रोवाइड हुए हैं। तो आपका ये कहना है कि प्रवीण अजमेरा के डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रॉड करके किसी ने लाइसेंस ले लिया शेखावटी डायग्नोस्टिक का? शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर तो ऑलरेडी पहले से था सर। नहीं, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो दो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, दोनों पर शेखावटी डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है। नहीं, एक ही सेंटर सर, शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर। अच्छा सर, जी तो शेखावटी डायग्नोस्टिक पहले से मौजूद था, लेकिन जो सोनोग्राफी का आपका कहना है, जो लाइसेंस लिया गया है, वो प्रवीण अजमेरा डॉक्टर जो है उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रॉजरी करके किसी और ने डॉक्टर ने लाइसेंस ले लिया, आपका ये कहना है? जी। जो डॉक्टर था ही नहीं असल में जिसने भी लाइसेंस लिया है। सर जिसने लाइसेंस लिया है अपने पास सेंटर लाइसेंस लेता है सर। हाँ। कि डॉक्टर लेता है, डॉक्टर के डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंटेशन में ये चेक किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वास्तव में रेडियोलॉजिस्ट के हैं वो अथवा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वास्तव में रेडियोलॉजिस्ट के थे भाई, इसका जो उन्होंने आधार कार्ड प्रोवाइड करवाया था वो भी उन्हीं का, प्रवीण कुमार अजमेरा का था। तो निश्चित रूप से फिर तो लाइसेंस प्रवीण कुमार अजमेरा के नाम से ही मिला होगा। बिल्कुल, प्रवीण कुमार अजमेरा के नाम से दिया गया सर, और वो काम भी यही शेखावटी डायग्नोस्टिक में कर रहा था वो डॉक्टर। मनोज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो डॉक्टर जिन्होंने लाइसेंस हासिल किया जिस फर्जी डॉक्टर खुद को डॉक्टर बताकर, वो काम कहां कर रहा था? वहां शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर में ही कर रहा था सर। अच्छा, ठीक है। गजेंद्र भी मेरे साथ मौजूद है, गजेंद्र कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी है। जी गजेंद्र, देखिए लगातार डॉक्टर साहब है वो यहाँ पर कैमरे के सामने भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनका पहला झूठ ये है कि वो कह रहे हैं कि अनुमति है वो सेंटर ने ली थी, जबकि सेंटर में आज ये एप्लीकेशन भी है पुलिस थाने के अंदर कि अनुमति वो डॉक्टर लेके आया था, हमारी तरफ से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अजमेरा की बात करें, डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा वो तेलंगाना में काम करते हैं, तेलंगाना में। जी मनोज जी, बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। जो 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 चीज है उसकी वास्तविक जानकारी तो वास्तव में ले लें कि वास्तव में जो सेंटर सर, है मैं जानकारी दे रहा हूँ सर आपको। सुनो बोलिए सर, बोलिए। सेंटर ही देखो, जो अनुमति है वो सेंटर लेता है, नहीं कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर लेता है। डॉक्टर और डॉक्टर की आरएमसी में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है ये संस्थान यहाँ पे द्वारा चेक किया जाता है। कैमरे पे झूठ बोलने वाली बात, मैंने ना तो कोई कैमरे पे झूठ बोला है आपके सामने। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता देता हूँ आपको। आप नहीं बता रहे ना, आप नहीं सर, आपको बता, चलिए सर, सर मैं बता रहा हूँ आपको सर, पहले ही बात नहीं। मनोज जी वो कुछ जानकारी, मनोज जी जानकारी मनोज जी, मैं गजेंद्र के पास कुछ जानकारी है वो साझा कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप काउंटर कर सकते हैं उसको, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं। अगर गजेंद्र कुछ फैक्ट रख रहे हैं तो उन्हें रखने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। आप आराम से अपनी मनोज जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे।
आपके पास लौटेंगे, गजेंद्र के पास कुछ जानकारी पहले वो साझा कर लें, फिर आपके पास भी लौटेंगे। सीएमओ साहब ने कहा कि परमिशन है वो सेंटर के द्वारा ली गई, लेकिन आज सेंटर की ओर से ही पुलिस थाने के अंदर एक परिवार दर्ज करवाया दिया गया है कि परमिशन है ना वो डॉक्टर के द्वारा ली गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि सीएमओ साहब झूठ बोल रहे हैं, पहली बात उसको फोन सर। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्टर है, जो वास्तविक डॉक्टर है वो तेलंगाना में काम करते हैं, वो यहाँ के नहीं है। उनके डॉक्यूमेंट को चुराया गया, और किसने चुराया कि क्या रहा ये हमें नहीं कह सकते, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट को चुराया गया। और फर्जी तरीके से डॉक्टर है वो आया और इन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करा के यहाँ पर सेंटर में काम करने लग गया। मनीष, मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो सोनोग्राफी जो करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं, वो काफी गंभीर मामला है, क्योंकि सीधा सीधा भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। इसको हर किसी को नहीं करने दिया जाता, ये परमिशन है वो डॉक्टर के जरिए मिलती है। डॉक्टर होना अनिवार्य होता है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला था, ऐसे में कुछ तथ्य है वो छुपाए गए। डॉक्टर जो है वो जी अपनी बात खत्म कर लीजिए गजेंद्र आप। जी तो ऐसे बड़ा सवाल एक तो ये कि इतनी पुरुषताओं का जो जो हुआ सोनोग्राफी, उसका जिम्मेदार कौन है? वो पुरुषता कौन थी, उनका क्या होगा अगर उनके बच्चे अपंग हो गए तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? काफी गंभीर मामला, ऐसे कोई धार नहीं सकता अपना पल्ला, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। सोनोग्राफी जो है वो महिलाओं के जो जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदरूनी हिस्से की जानकारी करता, तो काफी गंभीर मामला। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके इस प्रकार से फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। जी मनोज जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मनोज जी के पास लौटेंगे। गजेंद्र, मैं आपसे जानना ही चाह रहा था, निश्चित रूप से जिस तरह से सीएमएचओ खुद बता रहे थे कि लाइसेंस जब लिया जाता है तो किसी सेंटर के लिए लिया जाता है, शेखावटी डायग्नोस्टिक वहां पहले से अपना संचालन कर रहा है, निश्चित रूप से उसके पास लाइसेंस होगा। तो ये जो डॉक्टर आप बता रहे हैं तेलंगाना में है, ये मनोज शर्मा बता रहे हैं कि प्रवीण अजमेरा जो डॉक्टर है उनके कागज लगाकर लाइसेंस लिया गया, तो क्या प्रवीण अजमेरा के लाइसेंस डॉक्यूमेंट से ये शेखावटी डायग्नोस्टिक शुरू हुआ है? सर इसको मुझसे बेहतर डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि सेंटर को परमिशन नहीं मिलती, इसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर होना चाहिए, कम से कम MBBS किया हुआ डॉक्टर होना चाहिए, इसके गाइडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, तो ये कुछ है जो होना चाहिए उस डॉक्टर को परमिशन मिलती है। निश्चित रूप से, तो क्या बड़ा सवाल अब यहाँ है, अब बात करते हैं मनोज जी से। मनोज जी आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, बड़ा सवाल ये उभरता है, प्रवीण कुमार अजमेरा बता रहे हैं कि डॉक्टर के कागज लगाए गए और किसने लगाई ये आपको जानकारी नहीं है और ये सेंटर चल रहा था, तो प्रवीण कुमार अजमेरा कहाँ काम करते हैं? क्या ये सेंटर में थे वो, या उस सेंटर में काम करते हैं? क्योंकि मनोज कह रहे हैं वो डॉक्टर यहाँ के है ही नहीं, वो तेलंगाना में काम करते हैं। मैंने सर आपको पूर्व में बताया था कि डॉक्टर प्रवीण अजमेरा ने कुछ दिन पहले नौर में काम किया था। हाँ, नौर में काम किया था, वहां से ही वो डॉक्यूमेंट आए हैं। और प्रवीण कुमार अजमेरा एज ए ऑथेंटिक हैं इस चीज के लिए कि वो सोनोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि वो रेडियोलॉजिस्ट हैं और रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही सोनोग्राफी सेंटर की परमिशन दी जाती है कि आप सोनोग्राफी कर सकते हैं। जैसा गजेंद्र जी ने बताया कि कितने लोगों की सोनोग्राफी हुई, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि उसका सारा रिकॉर्ड हमने जब्त कर लिया है, 125 टोटल सोनोग्राफी हुई है, उनकी सारी की लिस्ट हमारे पास नहीं, है। रिकॉर्ड निश्चित रूप से आ गया, 125 महिलाएं आपने बताई है कि वो वहां पर उन्होंने अपनी सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने की। बड़ा सवाल ये है मनोज जी अगर क्लियर कर दीजिए कि असली में डॉक्टर कौन था, जो डॉक्टर वो अब कहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, यही मैं सवाल, यही गजेंद्र मैंने सवाल पूछा मनोज जी से कि मनोज जी वो जो डॉक्टर है प्रवीण अजमेरा कहाँ काम करते हैं, सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर है, और ये जो डायग्नोस्टिक खोला गया ठीक सरकारी हॉस्पिटल के पीछे खोला गया जो उसका एड्रेस है, तो ये कौन डॉक्टर चला रहा था इसको? क्या आपको ये भी जानकारी नहीं है? आपकी नाक के तले कोई डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, इतना गंभीर मामला है ये, आपको जानकारी नहीं कौन डॉक्टर है, किसके खिलाफ आपने परिवाद दर्ज कराया है, वो आपकी पकड़ से अब तक बाहर है? सर परिवाद मैंने कह रहा ना, परिवाद मैंने शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ दर्ज करवाया है। नहीं, शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर का कोई मालिक तो होगा, मालिक क्या प्रवीण अजमेरा है कागजों में? नहीं, मालिक प्रवीण अजमेरा नहीं है सर। तो शेखावटी डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर कोई आमिर खान डायरेक्टर शायद आमिर खान नाम से हैं। तो आमिर खान क्या प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं? नहीं सर, प्रैक्टिशनर नहीं है, सेंटर ऑर्गेन डायरेक्टर हैं, सेंटर के डायरेक्टर हैं, प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो उनके सेंटर में जो ये डॉक्टर कार्यरत था जो सोनोग्राफी को अंजाम दे रहा था, उसने प्रवीण अजमेरा के डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये
अपना प्रैक्टिस शुरू किया, आपका कहना है कि उसने लाइसेंस ले लिया? जी। तो अब बड़ा सवाल, गंभीर सवाल ये है, उसे निश्चित रूप से अगर लाइसेंस मिला होगा तो प्रवीण अजमेरा के नाम से मिला होगा, तो फिर सेंटर उसको काम कैसे करने दे रहा था? सेंटर पर वो डॉक्टर काम कैसे कर पा रहा था, जो कथित डॉक्टर फर्जी डॉक्टर है जिसने लाइसेंस प्रैक्टिस का लिया, वो काम कैसे कर रहा था इस सेंटर पर? सर नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, वो एज ए सेंटर के या मेरे जैसे डिस्ट्रिक्ट के सामने जो भी आदमी था वो एज ए प्रवीण अजमेरा के नाम से ही अपील हुआ था। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आए थे वो प्रवीण अजमेरा के आए थे, हमने जो लाइसेंस जो सोनोग्राफी करने का लाइसेंस दिया था वो प्रवीण अजमेरा के नाम से दिया था। नहीं तो सबसे बड़ा सवाल यही है, फिर मूल सवाल यही है कि आपको आपको प्रवीण अजमेरा से भी पूछताछ करनी चाहिए कि उनके उनको किसी पर शक है। और दूसरा जो मूल सवाल है उसका जवाब आपने आखिर तक भी नहीं दिया, करीब आधा घंटा होने को है मनोज शर्मा जी शो शुरू किए हुए, उस डॉक्टर का नाम नहीं पता है, कहां का वो डॉक्टर है, इस सेंटर पर वो काम कर रहा था जिसके आपने बताया डायरेक्टर है, इसके मालिक आमिर खान है। नाम अगर नाम पता होता तो नाम से एफआईआर हो जाती। तो आपने क्या क्या आपने आमिर खान से पूछताछ की है, जो इसके खुद मालिक है इस डायग्नोस्टिक सेंटर के? हाँ बिल्कुल की है। क्या उन्होंने बताया उसका नाम? उन्होंने भी यही बताया कि हमारे पास तो प्रवीण अजमेरा के नाम से ही उक्त जो भी चिकित्सक है वो अपीयर हुआ है। ठीक है, तो जो मालिक है उसको भी नहीं पता था उसका नाम, कि वो डॉक्टर वहां पर कौन काम कर रहा था? बिल्कुल सर। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही है, आप नहीं मानते कि बहुत बड़ी चूक और बड़ी स्वास्थ्य की लापरवाही है महिलाओं के साथ में? सर जैसा कोई अब नहीं थे डॉक्टर साहब, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो तेलंगाना के हो और भी हो। नहीं सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल सीधा है आपसे मनोज जी कि ये आपको नहीं लगता कि इतनी घोर लापरवाही की गई है? 1,250 महिलाओं का रिकॉर्ड है आपके साथ में, आपको अगर वो महिलाएं आए, क्या उनको बताया आपने कि उनका इलाज वहां पर उनकी सोनोग्राफी को एक फर्जी डॉक्टर कर रहा था? सर जो अगर जब बुला ही रहे हैं तो इसी बात के लिए तो बुला रहे हैं सर। नहीं आपको नहीं लगता कि ये घोर लापरवाही का मामला है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, आपके डिपार्टमेंट की ओर से? ये तो कम से कम आप मान सकते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि अपन ने तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स की बात किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिया किसी एक डॉक्टर के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लाइसेंस हासिल किया, वो भी आप ही की गलती है, डिपार्टमेंट की गलती है कि किसी के फर्जी डॉक्टर ने किसी के डॉक्यूमेंट लगाकर लाइसेंस ले लिया और प्रैक्टिस कर रहा है। बड़ी लापरवाही है ये मनोज शर्मा, आप इसको मानने को तैयार नहीं है, बहुत बड़ी स्वास्थ्य की चूक है महिलाओं के साथ में। जब एक और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है पूरे देश में, वहां महिलाओं के साथ में इस तरह की लापरवाही को आप छूट दे रखी है आपने, मैं कहूंगा। और ये मामला पूरा एनडीटीवी ने उठाया, उम्मीद करते हैं कोई एक्शन आप लेंगे जल्द से जल्द। नहीं, किसी के तरीके से छूट किसी को नहीं दे रखी, अगर डॉक्यूमेंटेशन में जो था कोई ऐसा नहीं है कि अपने पास कोई बायोमेट्रिक सिस्टम इस तरीके का नहीं है कि फला आप जो आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको जांच सीधा कि आप अमुक आदमी बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं। तो इतनी सरकारी स्तर पर आपने लाइसेंस दे दिया, कोई भी जाकर लाइसेंस ले लेगा किसी भी डॉक्टर के आधार पर, किसी भी डॉक्टर के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर कोई भी लाइसेंस ले आएगा और प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा? उसका भी एक्रीडेशन होता है सर, एफिडेविट देता है, एफिडेविट भी दिया है। तो सर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ आपके साथ में, स्वास्थ्य विभाग के साथ में फ्रॉड है ये? हाँ भाई, आप अपने नोटरी पे अपना एफिडेविट देके भी एफिडेविट भी आपका दिया हुआ है और फिर भी आप नहीं मान रहे हैं कि आपके साथ में आपने लापरवाही की है। बहुत शुक्रिया फिलहाल, उम्मीद करते हैं आप कोई ना कोई इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे और सख्ती दिखाएंगे। गजेंद्र आप भी हमारे साथ बने, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी तमाम